सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम लोग ने जो अपना फार्म वगैरह है वो अच्छे से बना लिया। तो ये देखिए, यहाँ पे शीप भी काफ़ी सारी हो गई हैं और फार्म भी हम लोग का बढ़िया से बन गया है। तो लास्ट एपिसोड में तो हम लोगों ने फिलहाल तय किया, तो आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज जो है, हम लोग अपना जो हम लोग पास काफ़ी सामान मिल चुका है, तो इतने से घर में भाई काम नहीं होने, जो जितनी भी चेस्ट वगैरह हमने बनाई ना भाई, सब छोटी बड़ी भाई पूरे घर को घेर रही है। तो गाइस, हम लोगों ने क्या सोचा कि ये जो घर है, अब इसको तोड़ के कुछ बढ़िया सा बड़ा सा घर बनाएंगे हम लोग। इसके लिए मैंने जो पीछे साइड का जो एरिया है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये मैंने क्लियर करके पूरा सैंड वगैरह हटा के यहाँ पूरी डार्ट लगा दी थी और घास हो गई भाई, पूरा क्लियर कर दिया। और ये मैंने फेंस लगा दी थी अपने मतलब एरिया, हम लोग जो भी बनाएंगे इतने के अंदर हम लोग को बनाना है फिलहाल अभी। बाकी ये मैं सब तो करता रहूँगा। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं, इस घर को तोड़ के अपना बढ़िया सा थोड़ा बड़ा घर बनाने वाले हैं। और पूरा तो नहीं बन पाएगा इस वीडियो में, हम लोग धीमे धीमे बनाते रहेंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में आइडिया देना कि हम लोग को किस तरह का घर बनाना चाहिए, तो मैं उसी तरह का बनाऊँगा अगर अच्छे अच्छे आइडियाज़ मुझे मिलते रहेंगे तो। बाकी आज हम लोग थोड़ा बहुत तो आइडिया है मेरे पास, तो मैं वही बना दूँगा। तो उसके लिए मेरे को ये भी भरना ही पड़ेगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग ने एक कंपास बना लिया, आपको ये नीचे दिख रहा हो, ये देखिए। क्योंकि भाई हम लोग कभी कभी जाते हैं तो अपना घर भूल जाते हैं, तो अब ये काम आएगा हमेशा। और गाइस, हम लोग को घर बनाने के लिए कॉमन स्टोन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम लोग का जो घर जाए वो अच्छा दिखे, तो उसके लिए मैं उसको स्टोन ब्रिक से बनाने वाला हूँ। स्टोन ब्रिक दिखाता हूँ मैं आपको क्या कैसी होती है। ये होती है गाइस स्टोन ब्रिक, ये देख रहे हो आप, ऐसी होती है स्टोन ब्रिक। इसलिए मैंने जो है चार ही फर्नेस में स्टोन्स बनने के लिए रख दिए, क्योंकि जो स्टोन ब्रिक है वो स्टोन से बनती है और स्टोन कॉबल स्टोन से बनता है। कॉबल स्टोन भाई मेरे पास बहुत लेके आए थे, अभी ये देखिए दो स्टैक तो अभी भी पड़े हैं। तो भाई मैंने चार चार फर्नेस काम पे लगा रखी, सब में स्टोन्स बनने हैं। फिलहाल हम लोग इतना निकाल लेते हैं अभी। बस आज हम लोग ये करने वाले कि इस घर को जो है वो तोड़ के बड़ा सा बनाएंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि हम लोग कोई और एरिया ढूंढ लेते, क्योंकि यहाँ पर सैंड है और मेरे को सैंड हटाने में फिर वहाँ पे ग्रास लगाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा एरिया ढूंढ लूँ जहाँ ग्रास हो और खुल मतलब लैंड टाइप हो, जहाँ डर्ट वगैरह हो तो सैंड ना हो। तो हम लोग को सिर्फ डर्ट क्लियर करनी रहेगी, सैंड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। पर मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि यहाँ आसपास ही पहाड़ ही पहाड़ है, होगा ऐसा नहीं। पर उसके लिए हम लोग को दूर जाना पड़ा, दूर जाएंगे तो भाई हम लोग के फार्म वगैरह यहाँ बनाएंगे सब बेकार हो जाएंगे। शाम होने लगी और मैंने अपना जो गेम है वो पीसफुल पे कर लिया, ताकि जॉम्बी वगैरह जो है हम लोग को परेशान ना करें, है ना भाई। वरना घर बनाने में टाइम तो लगता ही, और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दिन में, फिर भी हम लोग सो जाता है करके, दिन में काम करने में ज़्यादा सही रहता है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर सुबह हो चुकी है और हम लोग अपना देखते हैं कि भाई कितने स्टोन आ गए अपने पास, काफ़ी अपन लोग काम शुरू अपना कर सकते हैं। तो गाइस फिलहाल अपने पास दो, एक पूरा स्टैक है और एक आधा स्टैक है, हम लोग इससे शुरू कर सकते हैं। बाकी कोई उसकी बात नहीं है, हम लोग शुरू करते हैं फिलहाल अपना बनाना। तो अब इस यहाँ थोड़ी स्पेस देने का, यहाँ से हमारा जो है कासल आएगा। ये तो मैं पीछे की लाइन बना रहा हूँ, गाइस ये सिर्फ हमारे रूम की वॉल है। तो ये मैं सोच रहा कि भाई इतना छोटा सा बनाएंगे कि हम लोग अपना कासल, तो ये सिर्फ एक रूम की वॉल है भाई। अभी हम लोग को पूरी चारों वॉल बनानी है, इधर से मैंने बाउंड्री बनाई है। यार पिकेक्स नहीं है तो हम लोग को स्टेयर्स भी लगानी, तो हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा भाई। पहले ये भर दो, यार एक क्रीपर वगैरह ना सारा काम खराब करते रहते हैं। और अच्छी खासी मैंने यहाँ पे घास लगाई थी, क्रीपर ही का काम है। तो भाई ये तो ठीक है, अब हम लोग को पिकेक्स बनानी पड़ेगी। पहले पिकेक्स बना के लाते हैं। अरे काम करते हैं अपन लोग, तीन की नहीं भाई दो की करते हैं, दो लेयर की सही रहेगी, वरना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गई दो लेयर की, ये फिर ये यहाँ रहेगी एंट्रेंस।
बड़ी सही है, एक लेयर हम लोग को और बनानी पड़ी। सो गाइस फाइनली हम लोग का जो पूरा सरफेस है भाई आप देख सकते हो पूरा हो चुका है। तो ये हम लोग की वॉल है, हम लोग को बस ऊपर की छत बनानी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऊपर से कैसे लग रहा है। गाइस ये देखो ये इतना है फिलहाल, बाहर से भी आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो भाई ये टायर बेकार लग रहा है। ये देखो ये दो लेयर के मैंने स्टेयर्स बनाए अंदर से ही ऐसा। बाकी हम लोग पास जब नए ब्लैक स्टोन वगैरह नेदरराइट रैक रॉक वगैरह काफ़ी सारी आ जाएंगी तो ये जो कॉर्नर कॉर्नर की या फिर एक ऊपर की एक एक लेयर है ना वो हम लोग उससे बना देंगे, जिससे जो अपना जो कासल वगैरह जो भी है वो और अच्छा लगेगा। तो बस फिलहाल तो अपन अभी इसमें ज़ॉम्बीज वगैरह स्पॉन भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। अभी कौन से लोग यहाँ रहने आ रहे हैं। तो इन लोग के जो कॉबल स्टोन है वो ख़त्म हो गए हैं, हम लोग को दोबारा से लाने जाना पड़ेगा। देख सकते हो सो गाइस मैंने सोचा कि जो हम लोग पास काफी सारे वुड प्लैंक्स पड़े हैं तो क्यों ना हम लोग जो ऊपर की लेयर है वो वुड प्लैंक से बनाते हैं। और मैंने पहले एक साइड लगा के देखे तो भाई वो काफी सही लग रहे, तो उससे जो अपनी कासल या रूम की जो भी लुक है इतनी बढ़िया आ रही थी उसके में। तो मैं सोचा भाई अब एक साइड लगाया तो अच्छा लग रहा है तो क्यों ना चारों साइड लगा देते हैं। तो भाई बस लास्ट साइड जो हम लोग अभी कर रहे हैं पहले यार ये हटा देते हैं। पर अगर हम लोग खाली स्टोन बेस से पूरा बना देते छत वगैरह सब तो काफी सिंपल सा लगता तो मजा नहीं आती। तो गाइस भाई हमने स्टोन ये वुड प्लैंक लगा तो इतनी बढ़िया लुक आ रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका लुक पहले तोड़ने। यार एक दो ब्लॉक तो गलत लग ही जाते हैं भाई, सबके लगते हैं चाहे जितना भी प्रो भाई प्लेयर हो। तो गाइस ये फाइनली लग चुका है, देख सकते हो आप कितनी तगड़ी लुक आ रही है अपने रूम की। फिलहाल पहले हम लोग नीचे उतर जाते हैं वहां से, क्योंकि यहाँ से भाई उतरेंगे तो एचपी तो जानी ही है। तो भाई पहले अपन लोग ये फालतू की डांट हम लोग ने लगाई थी ऊपर चढ़ने के लिए हटा दे, क्योंकि भाई ये अपना जो लुक है वो बहुत बेकार कर रही है। तो खाली चढ़ने के लगाते। तो मैं गाइस क्या सोच रहा हूँ कि ये जो कॉर्नर्स है ना अपने रूम के उसमें भी वुड प्लैंक लगा देते हैं, ये भी काफी अच्छा लुक देंगे। और जब पूरी छत हम लोग की जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी तो भाई जो लुक आने वाला है ना अपने रूम का भाई एकदम नेक्स्ट लेवल लुक आने वाला। और गाइस छत के लिए मेरे पास एक आइडिया है, वो तो खैर इस वीडियो में आपको मैं नहीं दिखाऊंगा, अगली वीडियो में मैं बना के आपको दिखाऊंगा। पर अभी तो हम लोग पहले अपना रूम कंप्लीट कर लेते हैं भाई। तो भाई देखो क्या सही लग रहा है अपना, बस वो जो थोड़ा सा एक एक कॉर्नर में हम लोग ने जो कॉबल स्टोन लगाया वो पहले मैं हटा देता हूँ। यार एक तो मेरे पास पिकेक्स नहीं है, उससे 2 मिनट टूट गया था भाई पिकेक्स से। पिकेक्स मेरी टूट चुकी है और बनाने जाएंगे उतनी देर में तो यार हम लोग यार हाथ से तोड़ने तो सही रहेगा। वैसे मुझे पता है कि आपको बैकग्राउंड में काफ़ी वॉइस आ रही होगी तो उसके लिए भाई आई एम सॉरी, मैं उसका वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। जैसे मिलता मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो, तब तक के लिए भाई आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लो। बाकी आप लोग मुझे आइडिया को बताना कि हम लोग अपने रूम में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं कासल बनाने की। वैसे इसी को हम लोग धीमे धीमे कासल में बना देंगे, तो आप मुझे बताते रहना, अभी तो सिंपल सा बनाया है। तो भाई देखो क्या सही लुक आ रही है यार ऊपर की, एक नंबर है यार। और स्टेयर्स भी तगड़ी लग रही भाई। और इसको अभी मैं अभी तो मैंने स्टोन लगाए स्टोन ब्रिक्स से स्टेयर्स की जगह पे, अभी मैं स्टोन ब्रिक की स्टेयर्स लगा ही दूंगा। तो अपन लोग अभी क्या करते हैं, छत जो है अपनी वो कंप्लीट कर लेते हैं पूरी। वुड प्लैंक है भाई, डर्ट लग गई, जल्दी से भाई हम लोग वुड से पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली भाई और ये जो रात है हम लोग की जो छत है वो कंप्लीट होने वाली है, हो गई। और ये जो रात हम लोग को भाई ये दूसरी रात है जब हम लोग ने शुरू किया था भाई,
क्योंकि मुझे जो वोट है उसकी कमी पड़ गई, तो मुझे वोट लाने भी जाना पड़ा। और ये देखो हम लोग ने जो कॉर्नर है छोड़ दिया था, तो भाई आप देखो क्या लुक आ रही है। जो बीच में मैंने थोड़ा सा रेक्टेंगल छोड़ा, ये मैं उसी आइडिया की बात कर रहा था जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो भाई मैं इसको अभी काफी तगड़ा लुक दूंगा अगली वीडियो में। तो भाई आई होप आपको यार एक घर काफी अच्छा लग रहा हो, क्योंकि मुझे भी लग रहा हो। जल्दी से हम लोग भाई यहाँ पे थोड़ी टॉर्च वगैरह लगा देते कायदे सारे। यार ये ब्रेक लग गई, जल्दी हम लोग टॉर्च लगा दे ताकि जॉम्बीज वगैरह जो है वो स्पॉन ना हो। तो भाई हालत खराब हो गई कसम से लगाने में यार। इतनी सारी ब्रिक्स मुझे लाने जाना पड़ा भाई 2 दिन से माइनक्राफ्ट में। 2 दिन से भाई मैं सोया नहीं हूँ। अभी मैं ऑन करूंगा, अगर मतलब पीसफुल है अभी तो कोई दिक्कत नहीं, वरना नॉर्मल करूंगा तो भाई फैंटम वगैरह आएंगे देखना। पर अभी हम लोग जाके सो जाएंगे तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस फाइनली हम लोग की जो टॉर्च है सारी लग चुकी है। आप देख सकते हो भाई कितना बढ़िया लुक आ रहा है अपने रूम का। यार ये देखो एक दो और थोड़ी बहुत बची है तो हम लोग लगा देते हैं जल्दी से। भाई ये देखो एक नंबर लग रहा है यार, और काफी बड़ा भी है। तो हम लोग इसको धीमे धीमे और एक्सटेंड करके अपना बढ़िया सा कास्टल या विलेज जो भी बनाएंगे वो तो बाद में बनता रहेगा, पहले जरा थोड़ा सही से लगाते हैं यार। अच्छा लगना चाहिए इतना बढ़िया, इतनी मेहनत से बनाया। तो आज अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो ऊपर का एरिया जो मैंने खुला छोड़ा उसको मैं बाद में कंप्लीट करूंगा। फिलहाल हम लोग इसमें पहले ग्लास लगा देते हैं। तो भाई चलते हैं पहले जल्दी से ग्लास ले आते हैं चल के। तो गाइस हम लोग ग्लास तो सारे बना के ले आए, तो अब जल्दी से हम लोग लगा देते हैं। बाकी जब मैं ऊपर की डिजाइन बनाऊंगा तो इन सारे ग्लास को डाल दूंगा। अभी तो भाई बारिश वारिश होती है, तो अभी मैं इसको इसलिए कवर कर रहा था कि अगर बारिश वारिश हो तो अंदर अपने रूम में ना आ जाए सारा पानी, इसलिए भाई लगाना जरूरी है। मैं सोच रहा हूँ भाई क्योंकि बंद बंद जो रूम है काफी बेकार लगे, तो हम लोग थोड़ी विंडो वगैरह भी बना लेते हैं। तो पहले ये ग्लास यार गलत लग जाते हैं, तो विंडो बनाते हैं, पहले ग्लास लगा लेते हैं, फिर भाई विंडोज बनाएंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को प्रॉपर मेजरमेंट लेके बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई कहीं भी बना देंगे यार तो ऑब्वियस सी बात है कि इतनी बेकार लगेगी वो। तो पहले हम लोग देखते हैं 1 2 3 4, हाँ तो 3 ब्लॉक का जो विंडो है, 3x2 की विंडो काफी सही लगेगी। सामने फ्रंट साइड पे और साइड्स में तो 2 ब्लॉक्स की विंडो सही रहेगी। बस घर को लुक अपने आप अच्छा देना है, बाकी कोई बात नहीं। इसमें हम लोग जल्दी से विंडोज लगा लेते हैं भाई। तो बस ये लास्ट साइड बची है हम लोग की, और शायद फ्रंट साइड में हम लोग ने एक ही विंडो बनाई है। तो अभी हम लोग पहले ये बनाते हैं फिर वाली भी बनाते हैं। ये देखो भाई हमने जैसे कहा था फ्रंट में एक ही बनाई है, तो हम लोग उधर से देख के आते हैं हम लोग ने कितने ब्लॉक छोड़े टॉर्च के बाद, तो उतने यहाँ भी छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि वरना बेकार लगेगी यार। तो 1 2 3 4 और 5 6 इधर से, तो भाई बिल्कुल बराबर बनी दोनों साइड से इक्वल। सो गाइस हम लोग ग्लास के साथ साथ विंडो में लगाने के लिए ग्लास के साथ साथ स्टेयर्स भी ले आए हैं स्टोन ब्रिक्स की, क्योंकि भाई इतनी सारी हम लोग ने तोड़ी है, काफी सारे स्टोन की स्टेयर बनी, तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे लगा देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो हम लोग की जो स्टेयर्स है परफेक्ट बिल्कुल लग गई है। अब उसको थोड़ा कवर करने के लिए मैं वुड प्लैंक्स का यूज करूंगा ताकि भाई इसको भी तगड़ा सा लुक मिले। तो ये देखो भाई क्या लग रही है, एक नंबर। तो गाइस देख रहे हो यार मतलब वुड प्लैंक्स और स्टोन ब्रिक्स का क्या ही कॉम्बिनेशन आया यार हम लोग के घर पे। तो इसमें मैं अभी टॉर्च लगा देता हूँ, वो भी काफी सही लगेगी देखने में। भाई लगना चाहिए यार कासल बनने का, यहाँ पे लगना चाहिए भाई किसका घर है हम लोग का। कोई भी आएगा तो उसको पता चलना चाहिए भाई घर किसका। तो अभी बाहर भी हम लोग को टॉर्च लगानी है क्योंकि बाहर लगाना जरूरी है। तो गाइस ये मैं डोर भी दोनों ले आया हूँ, ये नीचे में हैवी प्रेशर प्लेट लगा के इन दोनों को ऑटोमेटिक कर दूंगा। जल्दी से हम लोग यहाँ पर ग्लास लगा देते हैं, तो ये वाले में भी लगा देते हैं ताकि बढ़िया लगे। बाकी साइड वाले में मुझे नहीं लगता जरूरत है उस लगाने की, तो साइड वाले हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई हाथ होने नहीं पाएगा। क्योंकि हम लोग का जो रूम है वो थोड़ी हाइट ऊपर ऊपर हाइट पर है, तो कोई जॉम्बी वगैरह नहीं आ पाएगा। पर यहाँ सामने तो मैं लुक के लिए लगा रहा हूँ, गाइस देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है यार हम लोग का रूम जो है। और यहाँ पे मैं हैवी प्रेशर प्लेट जो है वो लगा दूंगा। पहले हम लोग को जो सारा सामान है वो यहाँ शिफ्ट करना रहेगा, तो वो गाइस मैं करता रहूंगा, वो मैं वीडियो में दिखाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैं बाद में करूंगा। बाकी हम लोग जल्दी से यहाँ पर
टॉर्च वगैरह लगा देते हैं बाहर, ताकि बाहर का जो भी लुक है ना वो भी और एक नंबर तगड़ा हो जाए बिल्कुल। मजा आनी चाहिए भाई देखने में भी, पता चले यार कर है मेहनत लगी बनाने में, इतनी सारी स्टोन पिक लगी है हम लोग को बनाने में यार, मतलब 3-4 बार मुझे माइनिंग करके कॉबल स्टोन लाना पड़ गया। तो यहाँ लगाते हैं एक, और बीच में भी लगा है क्या? हाँ बीच में भी एक लगा देते हैं यहाँ पर एक, और एक यहाँ साइड यहाँ पर। तो इस फ्रंट का तो जो लुक है वो काफी तगड़ा हो गया, डोर और भी हम लोग ऑटोमेटिक अभी कर देंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में फुल अच्छे से पूरा दिखाऊंगा मैं कि हम लोग का कैसा फाइनल बना है सामान वगैरह के साथ। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग के पास सामान क्या ज्यादा हो रहा है। मैं वैसे माइनिंग पे गया था, सोच रहा था काश गोल्ड मिल जाए गोल्ड मिल जाए, पर मुझे गोल्ड तो मिला ही, उसके साथ साथ रेड स्टोन और भाई डायमंड वगैरह भी मिल गए काफी। तो भाई मेरी खुशी तो भाई एकदम छत फाड़ गई, पर इसीलिए भाई देख लो कर छोटा ये छोटा वाला घर पूरा भर गया है, इतना सारा सामान ला के तो जगह है नहीं। ये तो हम लोगों ने वैसे टेम्परेरी बनाया था रहने के लिए, जब तक तो कुछ हम लोग नया नहीं बना लेते। तो भाई अब तो अपना बन गया, तो अब अपन लोग यहीं पे रहेंगे। अभी मैं शिफ्ट कर लूंगा सारा सामान अपना यहाँ पे, और ये गाइस दो यहाँ पे मतलब इवन है भाई, यहाँ पे ब्लॉक्स तो अपने को यहाँ दो लगानी पड़ेगी ताकि बीच में रहे। यहाँ तो है रॉड है, तो बीच वाला सेंटर में मिल जाएगा हम लोग को। यहाँ भी शायद दो लगानी पड़े, चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो बाहर ही यार ये टर्ट तो हटाना भूल गया, कितनी खराब लग रही है, तो इसको जल्दी से हटा देते हम लोग। और भाई धीमे धीमे हम लोग जो जमीन की सैंड है जितनी भी आपको फ्लोर में दिख रही होगी वो भी हम लोग हटा ही देंगे एक बार में, तो यार हटेगी नहीं, क्योंकि सिर्फ फ्लोर पे नहीं है भाई, अगल बगल पहाड़ी पहाड़ है सैंड के वो भी। तो भाई ये देखो भाई क्या लुक लग रही है, बगल में फेंस भी जा रही है तो काफी तगड़ा लुक आ रहा है। अभी हम लोग फेंस को भी बढ़ा देंगे, पहले मुझे पहाड़ वगैरह जो है ये सब हटाने पड़ेंगे। तो भाई आप देख सकते हो भाई क्या लग रहा है, और अभी तो जब पूरा टॉप वगैरह सब बन जाएगा ना तब तो यार क्या ही लगेगा। तो गाइस फाइनली मैंने जो अपना छोटा वाला घर था वो तोड़ दिया है, और जैसा कि मैंने कहा था मैं ऑटोमेटिक प्रेशर प्लेट लगा के अपना डोर जो है वो ऑटोमेटिक कर दूंगा, वो जो हमने कर लिया। तो जल्दी से भाई हम लोग सो लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग सोए नहीं है, तो हम लोग जल्दी सोते। फिर मैं आपको सुबह दिखाता हूँ अपना घर कैसा लग रहा है। भाई अंदर देखो मैंने सारा जो सामान है अपना शिफ्ट के लिए, ये देखो भाई ऑटोमेटिक डोर मैंने बना लिया प्रेशर प्लेट लगा के, ये देखो भाई अपने आप खुल रहा है। तो भाई इसके ऊपर तो हम लोग चढ़ नहीं सकते, पर ये देखो भाई पीछे से कितना बढ़िया लुक दे रहा है यार अपना घर, मतलब मजा आ जाती है भाई देख के, इसको पता चल रहा है भाई मेहनत लगी इसको बनाने में। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो और ये जो घर हम लोग ने बनाया वो दोनों आपको पसंद आए होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हम लोग इसमें और क्या क्या बढ़िया चीजें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। और गाइस आपको भी जान के खुशी होगी हम लोग बहुत जल्दी नेदर पोर्टल ही बनाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पास ऑब्सीडियन भी काफी आ गए हैं। और तो बाकी भाई इस वीडियो में इतना ही, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हम लोग बता सकते हैं भाई कितनी बार बोलेंगे हम। तो गाइस हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा अभी इम्प्रूव करने अपनी क्वालिटी वगैरह साउंड क्वालिटी वगैरह, तो इसके लिए मैं सॉरी फिर से आपको बोलता हूँ, आपको बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से दिक्कत हुई, पर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और हम लोग जल्दी आएंगे वापस दूसरी वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.